उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी जी की एसटीएफ अकाउंट सेटल इनकाउंटर कर रही है। एक लूट में इतनी थ्योरी आ रही है, आपने कभी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी घटना नहीं सुनी होगी कि एक घटना में इतनी थ्योरी। कभी एसटीएफ कहती है कि मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया, कभी कहती है मुख्य आरोपी का उन्हें हाफ इनकाउंटर कर दिया, कभी मुख्य आरोपी का आप कहते हैं इनकाउंटर कर दिया, फिर आपने आज एक मार दिया। तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा इनकाउंटर प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया, जाति पर नहीं। जाति पर तो सवाल तब खड़ा होता है जब पूरे इनकाउंटर की सूची देखी जाती है तो पता लगता है पिछड़े दलित मुसलमान आपने मार दिया। जितने बड़े अपराधी, टॉप 10 अपराधी उठाइए जिन पर 40, 86, 58, 57 मुकदमे हैं, दो मुकदमे वाले को आपने इनकाउंटर कर दिया। तो उत्तर प्रदेश में क्या न्यायपालिका है या पुलिस का पागलपन ही झेलना पड़ेगा? एक मंगेश यादव की हत्या को दबाने के लिए आप दूसरे को मार देंगे? यूपी में आप जानते हैं कि हर रोज एनकाउंटर हो रहे हैं और हर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव सवाल उठा देते हैं, लेकिन इन आरोपों से बदमाशों के खिलाफ योगी की पुलिस बैकफुट पर आ जाए ऐसा नहीं हुआ है और एक्शन लगातार हो रहा है। आप देखिए, यूपी में एक और एनकाउंटर हुआ जिसमें वो आरोपी मारा गया जिस पर पुलिस के दो जवानों की हत्या का आरोप था। यूपी में नया एनकाउंटर किसका हुआ है और इस एनकाउंटर पर कैसे मुस्लिम वोटों की सियासत तेज होगी, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में एक और एनकाउंटर पर हंगामा। इस बार आरोपी की जाति नहीं, धर्म पर उठे सवाल। जिस शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं वो मोहम्मद जाहिद है, जो यूपी पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया है। मोहम्मद जाहिद पर दो आरपीएफ कांस्टेबल की हत्या का आरोप था। यूपी पुलिस करीब एक महीने से मोहम्मद जाहिद की तलाश में थी। ये तलाश कल रात पूरी हो गई। यूपी के गाजीपुर में शराब तस्करी के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 1,00,000 का इनामी शराब तस्कर जाहिद उर्फ सोनू मारा गया। 25 साल का जाहिद पटना का रहने वाला था। एनकाउंटर में उसे गोली लगी, अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। एनकाउंटर में दो पुलिस वालों को भी गोली लगी, दोनों घायल हैं। इसी प्रकरण में एक जो घटना का मुख्य साजिशकर्ता था, जिसके द्वारा ये घटना कार्य की गई थी, सोनू उर्फ जाहिद, जो कि फुलवारी शरीफ पटना का रहने वाला है, और उस पर 1,00,000 का इनाम घोषित हुआ था। और जवाबी फायरिंग में इसकी ये भी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसको सबसे पहले CSC पर ले जाया गया। वहां पर इसको फिर रेफर किया गया गंभीर घायल होने के कारण, और अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर इसको डॉक्टर्स ने, चिकित्सकों ने इसको मृत्यु इसकी डिक्लेयर की है। जैसे यूपी में हर एनकाउंटर पर सवाल उठते हैं, वैसे ही मोहम्मद जाहिद के एनकाउंटर पर भी उठे। उसकी मुस्लिम पहचान बताकर योगी सरकार को कैसे घेरा जा रहा है, यह आपको बताऊं। उससे पहले आप मोहम्मद जाहिद का गुनाह जान लीजिए। दरअसल 19 अगस्त की रात को यूपी से पटना के लिए चलने वाली बाड़मेर एक्सप्रेस में दो रेलवे पुलिस के सिपाहियों की हत्या कर दी गई। शराब तस्करी के चक्कर में उस दिन कुछ तस्करों ने रेल रोक दी थी और शराब तस्करी की कोशिश कर रहे थे। जब सिपाही जावेद और प्रमोद ने इसका विरोध किया तो शराब तस्करों ने दोनों सिपाहियों पर हमला बोल दिया। दोनों सिपाहियों से बुरी तरह मारपीट की। शराब तस्करों ने जावेद और प्रमोद को ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। वारदात के अगले ही दिन दोनों की बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली। ये दोनों सिपाही ट्रेनिंग के लिए पटना जा रहे थे। इस मामले में यूपी पुलिस लगातार एक्शन ले रही। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। 2 आरोपी एनकाउंटर में घायल हो चुके हैं, लेकिन इस कांड का मुख्य आरोपी मोहम्मद जाहिद अब तक गिरफ्त से बाहर था। UPSTF को मिली जानकारी के मुताबिक गाजीपुर में जाहिद रेल लाइन के किनारे शराब तस्करी की फिराक में था। जब पुलिस ने उसकी घेराबंदी की तो उसने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में जाहिद मारा गया।
पुलिस को जाहिद के पास से एक पिस्टल मिली है क्योंकि मोहम्मद जाहिद मुस्लिम है, इसीलिए उसके परिवार ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए ये कह दिया कि जाहिद को मुस्लिम होने की सजा मिली, वो तो आलू और प्याज बेचता था। झूठ मूठ के उसको फंसाया दिया, मार दिया, और खास करके मुस्लिम समझ के मारा गया। हम लोग मुसलमान हैं, समझ के मारा गया, अत्याचार है, पुलिस अत्याचार कर रही है। और उसमें कहना क्या, मतलब पकड़ा गया था, पैर में मारा गोली, सीने में मारा गोली। पुलिस का बयान है कि मुठभेड़ में, ये तो बहुत बड़ा डाउन नहीं है, ये बहुत बड़ा आतंकवादी नहीं है। ये जब आपने पकड़ लिया एक बंदा को पैर में गोली मारते हैं, सीने में गोली मारते हैं, तो आप लोग का तो टारगेट ही है कि मुस्लिम हो, इसको मार दिया जाए। यूपी में कोई एनकाउंटर हो और उस पर समाजवादी पार्टी सवाल ना उठाए, ऐसा कैसे हो सकता है? गाजीपुर एनकाउंटर पर भी समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने सवाल उठाए। कि किसी को भी किसी के जान लेने का अधिकार नहीं है। जान लेने का अधिकार तो या तो भगवान को है, या तो न्यायालय को है, या कानून को है। कोई आदमी बहुत बड़ा शातिर हो, अपराधी हो, तो उसको कानून के दायरे में ला करके न्यायालय के माध्यम से उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करावे, फांसी की सजा दिलावे, मृत्यु दंड करावे, आजीवन कारावास कराए। ये हमारे कानून में है, हमारे संविधान में है। जातिगत एंगल से बात नहीं करना चाहता और इसको देखना नहीं चाहता। मैं इसको न्याय की दृष्टि से देखना चाहता हूं। तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ठोको राज चलेगा? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर न्यायालय बंद हो गए हैं? क्या कानून की हत्या होगी इस तरह से खुलेआम? क्योंकि ये सरकार प्रायोजित हत्या है। कानून है इस देश में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है। आप मुकदमा तेज चला सकते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला सकते हैं। जो धाराएं हैं, अगर उसमें वो दोषी पाए जाते हैं, उनको सजा दीजिए। ये क्या कि आपने किसी को पकड़ के जो है आपने गोली मार दी, हत्या कर दी, ये तो ठीक नहीं। एनकाउंटर पर राजनीति करने वाले ये नेता कभी उस पुलिस वाले की बात नहीं करते जो एनकाउंटर में घायल होता है या जान गंवाता है। गाजीपुर एनकाउंटर में जो मोहम्मद जाहिद ढेर हुआ, वो रेलवे के दो सिपाहियों की हत्या का आरोपी है। जो सिपाही जाहिद और उसके गुर्गों के हमले में मारे गए, उसमें एक मुस्लिम भी था। उनकी बात तो कोई नहीं करता, सब लोग सिर्फ अपराधी की जाति और धर्म तलाशने में जुट जाते हैं। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। एनकाउंटर में यादव जाति का आरोपी भी पकड़ा जा रहा है या मारा जा रहा है, ठाकुर जाति का आरोपी भी पकड़ा जा रहा है, और हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय से जुड़े आरोपियों का एनकाउंटर हो रहा है। यानी एनकाउंटर में किसी का धर्म और किसी की जाति नहीं देखी जा रही।